Friends, welcome to the fourth lecture of construction material with first chapter building stone. जैसा कि हमने last time granite और sand के बारे में पढ़ा था, तो इस lecture में हम basalt, trap और limestone के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. सबसे पहले आ गया basalt and trap. तो basalt एंड ट्रैप क्या होता है? बेसाल्ट, बेसाल्ट जो होता है ये एक प्रकार का डार्क कलर का, है ना, डार्क कलर का या फाइन ग्रेन रॉक्स होता है. डार्क कलर कलर्ड डार्क कलर्ड फाइन ग्रेन स्टोन रॉक होता है, ठीक है, जिसको बसाल्ट या ट्रैप कहते हैं, ठीक है. इट इज इग्नियस रॉक, एक है एक इग्नियस रॉक है. एक प्रकार का इग्नियस रॉक है. तो सम बेसाल्ट डेवलप स्टेप्स, सम बेसाल्ट डेवलप स्टेप, सम स्टेप लाइक अपीयरेंस, अपीयरेंस appearance and are known as trap. कुछ जो चमकीला चमकीले जैसा पदार्थ जो कुछ बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट के जैसा ही चमकीला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? ट्रैप. ट्रैप वैसे तो जाल है ना, पूरे उसका जो अपने रॉक्स का या चट्टानों का जो पूरा का पूरा जाल बिछा होता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में पूरे पूरा जाल बिछा होता है. इट चीफली कंसिस्ट ऑफ फल्सबर एल्यूमिना सिलिका एंड अदर मिनरल्स. कौन-कौन से होते हैं? फेल्सपर, एल्यूमिना, ये भी एक प्रकार की चट्टान है ना, फेल्सपर जो कि मिनरल है ना, जिसमें कि मिनरल वगैरह मिनरल रॉक्स है ये भी, ठीक है. एल्यूमिना और सिलिका जिसमें पाया जाता है वो क्या होता है? बसाल्ट या ट्रैप. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बेसाल्ट एंड ट्रैप के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इट इज हार्ड, नंबर एक, इट इज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल स्टोन. ये हार्ड होता है, कंपैक्ट होता है, ठीक है, और ड्यूरेबल होता है. इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? वेरीज फ्रॉम
3.0, ठीक है। तो 2.6 से 3 तक इसके बीच में जो है ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इट हैज ग्रीनिश ग्रे, इट हैज ग्रीनिश ग्रे टू डार्क ग्रे, ये ग्रीनिश ग्रे टू डार्क ग्रे, डार्क ग्रे ब्लू एंड ब्लैक कलर, ब्लू एंड ब्लैक कलर किस किस कलर में पाया जाता है, ये ग्रीनिश टू डार्क ग्रे ब्लू एंड ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, इट इज लेस पोरस, इट इज लेस पोरस, ठीक है, ये कम पोरस होता है। दे वेदर वेल, नंबर 5, दे वेदर वेल, ये हर एक मौसम में सही रहता है, ठीक है। इसका रंग चेंज नहीं होता है या किसी प्रकार का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर 6, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क विद इट विद दिस स्टोन, ठीक है, इन स्टोन्स के द्वारा काम करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यूजेज कहाँ कहाँ है उसके, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं इनको, जो ये स्टोन है इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यूजेज कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, दीज स्टोन्स आर यूज्ड एज, these stones are used as throw metal, rod metal rod metal aggregates in concrete, aggregate in concrete, aggregate in concrete and railway ballast, railway ballast, railway ballast क्या होता है, जो railway के ट्रैकों के बीच में जो छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे यूज करते हैं इसको, और रोड मेटल के रूप में या एग्रीगेट बजरी वगैरह के रूप में इसे यूज करते हैं। दी स्टोन आर यूज फॉर, नंबर 2, दी स्टोन आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन constructing steps and a man in street, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन जो स्टेप्स वगैरह बनाते हैं वहां पे भी यूज करते हैं इसे, और पेवमेंट
जो गलियों में है ना, गलियों में जो पत्थर वगैरह बिछाते हैं, जो छोटे छोटे बजरी बिछाते हैं, तो वहां भी इसको यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट वेराइटीज यूज फॉर नंबर तीन, सॉफ्ट वेराइटी इज यूज फॉर ornamental work, ठीक है। इसका जो soft होते हैं ना, तो नरम होते हैं, जो इसकी वैरायटी में नरम जो पत्थर होते हैं उसको क्या कहा यूज किया जाता है, ornamental, यानी कि आभूषण बनाने में, किसी प्रकार के आभूषण तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। They are cheaply and easily available. नंबर चार, देयर चीपली एंड इजली अवेलेबल दीज स्टोन आर यूज इन दीज स्टोन्स आर यूज इन रबल मशीनरी, रबल मशीनरी, रबल मशीनरी क्या होती है, ये एक प्रकार से बिल्डिंग स्टोन्स होती है ना, ठीक है। रबल मशीनरी में रफ या बिल्डिंग स्टोन, ठीक है, उसमें यूज कर सकते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। ऑक्यूरेंस ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ऑक्यूरेंस यानी कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये ऑक्यूरेंस It is mostly found in Western Ghats, of India. Is known as Deccan trap. क्या कहलाते हैं, Deccan traps कहलाते हैं, जो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाटों में जो पाए जाते हैं मोस्टली आमतौर पर, वो क्या कहलाते हैं, Deccan traps. They are also found in Bombay, Bihar. बिहार, गुजरात, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बॉम्बे, बिहार, गुजरात, वहां पे भी ये मिल सकते हैं। रॉक कट टेम्पल ऑफ अजंता एलोरा एंड एलिफेंटा, अजंता एलोरा एंड एलिफेंटा अजंता एलोरा की गुफाओं में
और इन ट्रैप, उसमें भी क्या है, ट्रैप्स हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ है, सबसे पहले बॉम्बे, बिहार, गुजरात, और रॉक कट टेम्पल ऑफ अजंता, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें, एलोरा और एलिफेंटा, ये भी इसमें भी क्या है, ट्रैप्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना लाइमस्टोन, ठीक है, ये बिजार्ड ट्रैप के बारे में बैठा था। अब आगे आ गए लाइमस्टोन, क्या होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूना पत्थर, क्या होता है आपने पढ़ा होगा लाइमस्टोन के बारे में, ठीक है। तो लाइमस्टोन लाइमस्टोन क्या है, इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। इट इज फिजिकली स्ट्रेटिफाइड, इट इज फिजिकली स्ट्रेटिफाइड एंड केमिकली कैरियस, ठीक है। फिजिकली तौर पे तो इसमें स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब कि स्तरीकरण होता है, और केमिकली इसमें कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम की मात्रा भी होती है, ठीक है। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ वेरीफाइंग विद कैल्शियम कार्बोनेट विद वेरीफाइंग इंप्योरिटीज इंप्योरिटीज सच एज मैग्नीशियम मैग्नीशियम सिलिका कार्बोनेट एंड आयरन सिलिका मैग्नेट आयरन एंड क्ले, ठीक है। इसमें कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि दोष में मिले होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विद वेरीफाइंग इंप्योरिटी, दोष इंप्योरिटी मतलब कि दोष इसमें जो है दोष भी मौजूद होते हैं, सच एज मैग्नीशियम सिलिका, ठीक है, मैग्नेट आयरन और क्ले, इनका जो है मिक्सचर इसमें दोष के दोषपूर्ण रूप में पाया जाता है। स्टोन कॉन्टेनिंग कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल क्वांटिटी आर नोन एज इज इक्वल क्वांटिटी
are known as डोलोमाइट. क्या कहलाती है? डोलोमाइट. जो कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो बराबर क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है? डोलोमाइट कहलाती है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसमें, क्या क्या गुण पाए जाते हैं? लाइमस्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है? इट हैज ग्रैनुलर नंबर एक, इट हैज ग्रैनुलर या दानेदार एंड फाइन ग्रेन टेक्सचर, फाइन ग्रेन टेक्सचर. ठीक है, ये दानेदार और फाइन ग्रेन टेक्सचर, ठीक है, फाइन ग्रेन में मिलते हैं, इसके अंदर पाया जाता है. लाइमस्टोन इज सेंसेटिव नंबर दो, लाइम स्टोन इज सेंसिटिव, लाइम स्टोन इज सेंसिटिव टू वेदर एक्शन, सो इट टू वेदर एक्शन, सो इट It is not suitable for external work. It is not suitable for external work. Work in industrial area. In industrial trial. एरिया एरिया ठीक है. लाइमस्टोन सेंसिटिव वेदर एक्शन, ठीक है, इसमें जो है ये सूटेबल नहीं होते कि भारी काम के लिए इन इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि उसमें जो है लाइमस्टोन में बहुत सारे अवगुण होते हैं, इस करके ये एक्सटर्नल वर्क के लिए नहीं यूज हो सकते हैं. तो इट इज इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइज बिटवीन 2.02 2.75. ठीक है, 2 से 2.75 के बीच में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. ठीक है, इट्स यूजुअल कलर आर इट्स यूजुअल कलर्स आर कौन कौन से कलर होते हैं? व्हाइट, ग्रे, ब्राउन, पिंक, येलो एंड ब्लैक एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें जो है कौन कौन से कलर्स प्रयोग किए जाते हैं इसके अंदर जो मिलते हैं? ये व्हाइट, ग्रे, ब्राउन, पिंक, येलो एंड ब्लैक एक्सेट्रा. ठीक है, तो इसके यूजेज क्या क्या है, कहाँ का प्रयोग किया जाता है, ये इसका क्या क्या प्रयोग होता है? ठीक है,
कहाँ यूज किया जाता है ये? नेक्स्ट आ गया इसका यूजेस, यूजेस दैट टोन इज मेनली यूज्ड लाइम टोन इज मेनली यूज्ड फॉर मेनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. क्या बनाने में किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग करने में सीमेंट की, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर. एंड हाइड्रोलिक लाइन लाइम एंड फैट लाइम. ठीक है, किस किस के प्रॉन पे रहता है? हाइड्रोलिक लाइम एंड फैट लाइम, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किया जाता है. नंबर दो, इट इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस. It is used in blast furnace bleaching, turning and other bleaching, turning and other industries. ठीक है, it is suitable for flooring and roofing works. Flooring and roofing works. तो ये कार किस किस में सूटेबल होता है? फ्लोरिंग और रूफिंग के कार्य करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है. सबसे पहले लाइमस्टोन इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, हाइड्रोलिक लाइम एंड फैट लाइम. ये कहाँ का प्रयोग होता है? ठीक है, सीमेंट बनाने, सीमेंट के हाइड्रोलिक लाइम बनाने के, ठीक है, और फैट यानी कि मोटा चूना बनाने के लिए काम में लाया जाता है. इट इज यूज इन ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में जैसे कि अपने फर्नेस के अंदर जो है उसके अंदर लाइम स्टोन का प्रयोग किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और टर्निंग करने में. एंड इंडस्ट्रियल अदर इंडस्ट्रीज, और विभिन्न प्रकार की जो है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, कल कारखानों में या कारखानों में या फैक्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है. इट इज सूटेबल फॉर फ्लोरिंग एंड रूफिंग वर्क. ठीक है, छत के कार्य में और फर्श के कार्य में, है ना, उनमें भी ये चूना पत्थर या लाइम स्टोन में मिक्स किया जाता है, उसके अंदर वहां यूज किया जाता है. तो ऑक्यूरेंस क्या क्या है इसके? कहां कहां पाया जाता है ये चूना पत्थर? चूना पत्थर विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है, जैसे कि ऑक्यूरेंस.